ये जो प्रसाद ये विशेष है क्योंकि ये केवल कलयुग में उपलब्ध होता है भगवान का महाप्रसाद, बाकी जगहों में इसका इतना आसानी से नहीं मिलता। इसका वर्णन है चैतन्य मंगल में लीला वर्णन करते हैं कि एक बार बहुत पहले की बात है कि नारद जी जो है वो श्री लक्ष्मी जी की सेवा में लगे थे और उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे। लक्ष्मी जी की शिष्य हैं, लक्ष्मी जी के शिष्य हैं नारद जी। तो लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती थी, उनमें सपोर्ट करते थे, असिस्ट करते थे, उनकी सेवा से इतना अच्छा से सेवा की कि लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई तो नारद जी से बोली कि नारद मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो मेरे से, उसमें तुम्हें वरदान देना चाहती। तो नारद जी ने कहा कि हे माता, आप वरदान देना चाहती हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैं पहले आप संकल्प कीजिए कि जो मैं मांगूंगा वो देंगे। तो लक्ष्मी जी बोली कि तुम जो मांगोगे दे दोगे। नारद जी बोले पक्का, बाद में मुकरिएगा मत। लक्ष्मी जी ने बोला ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुमको, मेरे लिए कुछ भी देना असंभव नहीं है भगवान नारायण की कृपा से। नारद जी ने संकल्प कराने के बाद कहा कि हे माता, मुझे भगवान श्री नारायण को रोज आप भोग लगाती हैं, उनका मेरे को प्रसाद चाहिए। ये बात सुनते ही लक्ष्मी जी घबरा गई, बोली ये कैसे संभव, ये हो नहीं सकता, भगवान नारायण ने मेरे को स्पष्ट मना किया है कि मेरा प्रसाद किसी को मत देना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती। नारद जी बोले फिर हो गई ना बात, इसलिए पहले बोला था कि आप सोच लीजिए। आप बोली नहीं नहीं दे दूंगी, सेंटिमेंटल। अब देखिए बोल रही है कि कैसे होगा, मुश्किल होगा, अब आपका टेंशन है कैसे मिलेगा, मैं तो मेरे को मांगना तो मांग लिया, आप नहीं देंगे तो आगे से कोई आपको वरदान विश्वास नहीं करेगा। तो लक्ष्मी जी बहुत चिंतित रही, उनको नींद नहीं आ रही थी रात में। भगवान नारायण ने देखा कि लक्ष्मी बहुत चिंतित, लक्ष्मी से बोले भगवान नारायण कि तुम मेरी इतनी अच्छी सेवा कर, तुम्हें बहुत प्रसन्न हो, पर मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम बहुत चिंतित नजर आ रही हो, आखिर बात क्या है, बहुत दुखी नजर आ रही हो, उदास। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु बात ही ऐसी हो गई, क्या बात हो गई, बोलने में संकोच होता है, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, क्या बात है। बोले आपने मुझे मना किया है अपना प्रसाद देने के लिए किसी को। बोले हाँ उसे मना किया है, और यही दुविधा है, इसमें क्या दुविधा है, नहीं देना है तो नहीं देना है। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु नारद को मैंने वचन दे दिया है, और मुझे नहीं पता था कि यही मांगेगा वो, जो आपने मना किया है हमेशा गड़बड़ कर देता है, कुछ फंसा देता है। बोले प्रभु मैं तो फंस चुकी हूँ, क्या कहूँ, आपका आज्ञा का उल्लंघन भी संभव नहीं मेरे लिए, और वचन का पालन भी जरूरी है, कैसे करूँ। भगवान नारायण बोले कि तुम जो अगर देना है तो दे देना, लेकिन मेरे से पूछ के मत देना। तो लक्ष्मी ने फिर दिन बिना पूछे नारद जी को प्रसाद दे दिया। तो नारद जी बड़े इतना खुश हुए जब उनको प्रसाद मिला, इतना खुश हुए, नाचने लगे, अपनी वीणा पे गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में नाचते हुए इतने आनंद में, मतलब उछल उछल के जा रहे हैं, प्रसाद सारा खाते हुए सबको दिखाते हुए, देखिए मिल गया प्रसाद। नारद क्या बात है, रास्ते में जहाँ भी जा रहे, बात क्या है, आपको कभी मिला है, क्या मिला है, वहाँ प्रसाद कभी है अब नारायण का वहाँ प्रसाद, मेरे को तो नहीं मिला, पहले नहीं मिला तो कैसे आप समझेंगे, बहुत मेहनत से मिला है, ऐसे थोड़ी मिला है। तो इस तरह से नाचते हुए शिव जी के पास चले गए। भगवान शिव ने जब देखा नारद को इतना खुश है, बोले नारद तू इतना खुश कैसे नजर आ रहा है, आखिर बात क्या है, तू इतना खुश नजर, आज क्या बात है, क्या हो गया, मैं इतने साल से तपस्या कर रहा हूँ ध्यान लगा के, मैं इतना खुश नहीं हुआ, बोलते तू इतना खुश कैसे हो गया। तो नारद जी बोले बात ही ऐसी है, आप कैसे खुश होंगे, ध्यान लगाने थोड़ी खुशी होती है,
प्रसाद खाएंगे तब समझ में आएगा। आप पूछिए इसको में जाए किसी को माला में उसी बताया ना व्रत तब करते होता है किसी को प्रसाद में खाते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। किसी जी बोले बात तो सही बोले तो मतलब क्या बात क्या है मतलब महाप्रसाद मिला है आज। आप जानते हैं पहली बार नारायण ने अपना महाप्रसाद अगर किसी को दिया है तो मेरे को मिला है। और बोल के नाचने लगे खुशी से। शिव जी बोले अरे तो दिया है तो मेरे को भी थोड़ा दो, मुझे भी दो थोड़ा प्रसाद। बोले अब क्या खत्म हो चुका है सारा खत्म हो गया प्रसाद बचता है। श्री जी बोले मतलब तू कैसे नारद तू ऐसा कैसे कर सकता है पहली बार तेरे को प्रसाद मिला नारायण तू अकेले खा गया है तेरे को पहले फूड पर लाइव करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए दूसरों को तू कितना स्वार्थी हो गया है भगवान नारायण का महाप्रसाद मिला वो भी तू अकेले खा गया है। नारद प्लीज मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूँ ऐसा मत कर कुछ तो होगा बचा होगा थोड़ा दे दे मेरे को। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं बचा है आप देख लीजिए चेक कर लीजिए पूरा पॉकेट देख लीजिए चारों तरफ कहीं नहीं और हाथ चाट भी रहे थे बीच चाट रहे थे थोड़ा बचा भी चाट रहे थे तो हाथ पकड़ लिया सिर जी हाथ पकड़ के ध्यान से देखने लगे तो एक दाना कहीं चिपका हुआ था। बोले ये देखो एक दाना है महा महाप्रसाद और उस एक दाना को लेकर शिव जी चखे और जब उस एक दाने को चखे तो ऐसे प्रसन्न हुए इतना आनंद में भर गए ऐसे नाचने लगे नारद जी आश्चर्य से नारद जी फेल। भगवान शिव जब नाचते हैं तांडव नृत्य करते हैं तो सृष्टि का विध्वंस होता है। शिव जी कभी नहीं नाचते एक ही बार नाचते वो जब नाचते हैं तो उसका एक ही कारण होता है क्या तांडव नृत्य ही आता है उनको अब कोई नृत्य नहीं तांडव मतलब आप समझ रहे हो इससे विध्वंस होता है विध्वंस कला नृत्य किए करना शुरू कर दिए पृथ्वी हिलने लगी ब्रह्मांड हिलने लगा लगा कि अब प्रलय आ ही गया है। असमय प्रलय कैसे आ गया सारे देवी देवता चिंतित हो गए नष्ट हो जाएगा ब्रह्मांड। नारद जी तो कोने में जाके बैठ के लीला देख रहे एक दाना का इतना प्रभाव था तो सारे देवी देवता मिल के पार्वती जी के पास गए बोले अब तो शिव जी का होश खत्म हो चुका है इनको अब हमारी बात सुनाई नहीं देगी पार्वती जी ही पाए हैं वही डाइट करेंगे। सारे देवी ये माता आप कुछ कीजिए माता भोलेनाथ असमय ही नाच रहे हैं बेटाइम का प्रलय का टाइम आया नहीं है बोली बात क्या नारद नारद तो क्या हो गया मुझे भी नहीं पता पता नहीं क्या हो गया सामने तू आया है तभी से हुआ है कुछ नारद पता नहीं क्या हो गया। पार्वती जी ने बोली जा किसी जी के पास बोली बोली ठीक है मैं देखती हूँ क्या बात है। आए पार्वती जी गई बोली हे स्वामी आप क्या कर रहे हैं ये अभी टाइम नहीं हुआ है आप असमय क्यों नाच रहे हैं आखिर बात क्या है और आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हैं आज तक आपको मैंने इतने सेवा किया इतना किया कुछ अभी आज तक आप इतना खुश नहीं नजर आए अचानक क्या हो गया ऐसा आपको। बोले बता नहीं सकता पार्वती बता नहीं सकता ये देवी तो क्यों नहीं बता सकते मैं आपकी पत्नी हूँ मेरे से क्यों छुपा रहे हैं आप सब कुछ बताना पड़ेगा आपको पत्नी से छुपाएंगे आप। तो शिव जी बोले देवी क्या कहूंगा मतलब नारायण का महाप्रसाद मिला महाप्रसाद मिला आपको अरे कैसे तो नारद थे
तो ना महाप्रसाद मिला तो मेरे लिए नहीं बचाए, अकेले खा गया, मेरे लिए मेरे भी पीजिए। बोले आप तुमको कहां से दूंगा, बड़ी मुश्किल से तो एक दाना चिपका थोड़ा मिला मेरे को, मैं खा गया, अब आ गई मुझे भी दीजिए। क्या मतलब आप कैसे पति हैं, आप अकेले खा गए, मेरी थोड़ी भी चिंता नहीं कि आपने महाप्रसाद मिला, अब क्या करो, तो खा गया, अब तो रहेगा तब ना चिंता करूंगा, वो तो उसमें ध्यान नहीं रहा, प्रसाद के साथ जब सामने आता ध्यान रहता है किसी का। पार्वती जी रोने लगी, बोली आप बिल्कुल बदल गए, प्रसाद मिलते ही आप बदल गए, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, जब तक मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा अब मैं कुछ नहीं करूंगी। बोले तो क्या करेगी, बोला मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ भगवान नारायण की अब तपस्या करूंगी, जब तक मेरे को प्रसाद नहीं मिलेगा तब तक मैं अब आऊंगी नहीं, नारायण को प्रसन्न करूंगी तपस्या से। पार्वती जी ने कई वर्षों तक तपस्या किया भगवान नारायण का, और पार्वती ने कहा कि मैं आप लोग स्वार्थी हैं, हैं? आप खुद खा गए, मेरी चिंता नहीं किए, बच्चों का चिंता नहीं किया आपने, सारी सृष्टि में मेरे बच्चे हैं ये सब, इनको ज्यादा जरूरी है प्रसाद का, आपको तो क्या है, आप तो ध्यान लगा के आनंद में रहते हैं, पर मैं माँ हूँ, मुझे अपने बच्चों का चिंता है जो संसार में दुख झेल रहे हैं, मैं तपस्या तो करके नारायण को प्रसन्न करूंगी और उनका महाप्रसाद हर जीव को उपलब्ध कराऊंगी। तो पार्वती ने हजार वर्षों तक तपस्या किया, भगवान नारायण प्रसन्न प्रकट हो गए, तो पार्वती ने प्रार्थना किया कि मुझे, मैं चाहती हूँ कि भगवान नारायण कलयुग में आने वाले कलयुग में सब जीवों का आपका प्रसाद मिले, कुत्ता बिल्ली सब, इसलिए आप देखिए कुत्ता आया सबको प्रसाद मिलना चाहिए, समझी बात। तो फिर भगवान नारायण ने कहा पार्वती को कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं जगन्नाथ स्वामी के रूप में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ स्वामी, और 24 घंटे प्रसाद सप्लाई करूंगा, मेरा हाथ कभी सूखेगा नहीं, खाता रहूंगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में आप कभी भी जाइए, 5,000 लोगों के लिए हमेशा प्रसाद अवेलेबल रहता है, रेडी 5,000, किसी भी टाइम आप चले जाइए, 5,000 पीपल को लेकर जाइए, खा लेंगे बिना पहले से बताए पकड़ लो, और भगवान जो है रोज, अब बोले पहला मेरा प्रसाद आपको मिलेगा, उसके बाद सारे जीव।